The first lesson which I wanted to share with you कि एक entrepreneur बनने से आदमी रह जाता है. बहुत सारे लोग business करते हैं लेकिन वो entrepreneur नहीं होते, they are self-employed people. तो only difference is कि उन्होंने जो है अपनी पगार जो है किसी और से लेना बंद कर दिया, अभी वो खुद को पगार देते हैं. That is self-employed. You have employed yourself. तो उनका पैसा कमाने का जो तरीका है, it is just to keep themselves busy. They keep themselves busy day in and day out. And one of the mistakes they do is they don't have this board outside their car, which is the L board. वो L नहीं लगाते. हाँ, तो उनको लगता है उनको सर्व ज्ञान है. मुझे कौन सिखाएगा? वो आपने जो बोला ना. And since we are into that industry, we keep on meeting people, bumping into hundreds and thousands of entrepreneurs every year. तो बहुत सारा एक approach में ही challenge होता है. And here we have such a wonderful example that at his level, अगर किसी को सीखना बंद करना है, तो इनको बंद करना है. Am I right or not? उसके बावजूद भी ये सीखने को तैयार है. एंड दैट इज सच अ प्रूवन फैक्ट. यू गो टू अ जिम, एनी जिम यू गो टू, यू विल सी दैट द वंस हु हैव अ ग्रेट बॉडी आर एक्सरसाइजिंग सिंसियरली. और जिसका होलसेल में साला फैमिली पैक बड़ा हुआ है, वो गपशप कर रहा है, वो उसको देख रहा है, उस लड़की को देख, उस जिम इंस्ट्रक्टर से बात कर, 10 लोगों को और रोकता है एक्सरसाइज करने से. आई हैव सीन दिस हैपनिंग. जिसको जितनी जरूरत है वो उतना ढीला होता है. जितना जो बच्चा जिसको जो स्कूल में क्लास में वीक है वो उतना जी चुराएगा पढ़ाई से, जो जितना अच्छा है वो उतना और पढ़ाई करेगा. एंड सेम इज द केस विद बिजनेस. कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बस हमें जो आता है आता है. एंड दैट्स वेयर दे मेक द फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड मिस्टेक इज दे डोंट हायर पीपल. एंड बिकॉज द सेंस ऑफ मेकिंग मनी इज डूइंग वर्क. तो कहते हैं इसको रखूंगा, इसको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा नहीं देता हूं, चलो मैं ही काम कर लेता हूं. सो दे मेक मनी from doing somebody else's work, not realizing that it is a small petty amount which they're saving and they're making. And as a result, they keep on getting stuck in that work. वो आगे बढ़ नहीं पाते. They don't hire people. Third mistake they make is, they hire सस्ता मजबूत टिकाऊ. जो ना सस्ता होता है, ना मजबूत होता है, ना टिकाऊ होता है. क्योंकि सस्ता क्या होता है? सैलरी में सस्ता होता है, लेकिन इतने लफड़े कर देता है कि he becomes the most expensive team member of your organization. He does some mistakes which you will repay for years to come. He will make you lose some clients which were your permanent clients, and then you will never be able to have those clients. क्योंकि आपने सस्ता आदमी उठाया. और हमने ये भी समझा कि सस्ता जो होता है मजबूत तो होता नहीं ना. और अगर सस्ता है और मजबूत भी है तो वो टिकता नहीं है, बात पक्की है. वो मजबूरी में टिका हुआ है आपके पास. आज ना कल तो जाएगा आपके पास, क्योंकि वो मजबूत इंसान है और आप कमजोर हैं. तो मजबूत इंसान कमजोर के साथ नहीं आता. He or she will leave. He has greener pastures to make. Then the next mistake which people make is, वो टीम को हायर कर लेते हैं, उसके बाद उसको हैंड होल्ड नहीं करते, उसको पकड़ के नहीं रखते, उसको समझाते नहीं, सिखाते नहीं. उसको लगता है कि हमने सैलरी दे देना, दैट्स इनफ. एंड माई मी गिविंग सैलरी इज इनफ फॉर हिम टू परफॉर्म. नॉट रियलाइजिंग आप भी तो बिजनेस कर रहे हो, तो पर आपने परफॉर्म करना चाहिए ना फिर. तो आप जब आप नहीं कर रहे हो तो वो कैसे करेगा? उसको भी तो सीखना सिखाना पड़ेगा. हैंड उसको हैंड होल्ड करना ही पड़ेगा. एंड this along with money, this investment of giving him time, to give him the personal time, personal effort, personal intervention is a must. Aur uske baad jo last mistake look karte hain, when they don't grow them, when they don't train them, when they don't put time into them, they can't be given worthy assignments. Ab ye bada important point hai jo hum log miss kar jate hain. When team members are not given worthy assignments, and I'm talking about capable team members, I'm talking about team members jo apne man mein apni ek अच्छी इमेज रखते हैं. एंड दैट्स अ काइंड ऑफ पीपल वी वांट, राइट? व्हेन दीज केपेबल गाइज, व्हेन दीज हाई सेल्फ वर्थ गाइज आर नॉट गिवन आउटसाइड वर्दी असाइनमेंट्स, दे फील लो अबाउट द प्रेजेंस. एंड वंस दीज पीपल फील लो अबाउट द प्रेजेंस, देन दे लीव द कंपनी. दे डोंट लीव फॉर मनी कि आपने सैलरी कम दी. दे ऑफन लीव बिकॉज उनके असाइनमेंट्स में कोई वर्थ नहीं है. इट्स द सेम थिंग्स हैपनिंग. कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है, कुछ जिसमें वो ग्रो नहीं कर पा रहे. दे नॉट एबल टू ग्रो प्रोफेशनली. दे नॉट एबल टू सी देमसेल्व्स एज बेटर लीडर्स. तो जो अच्छा इंसान होगा वो फिर छोड़ के जाएगा. एंड दैट्स अ मिस्टेक विच नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डू. एंड एंटरप्रेन्योर्स डोंट डू दीज मिस्टेक्स. द जर्नी ऑफ यू फ्रॉम गोइंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू एन एंटरप्रेन्योर इज यू स्टॉप कमिटिंग दीज मिस्टेक्स. एंड यू विल सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल बी आउट ऑफ योर हैंड. एंड कंट्रोल तुम्हारा चीजों पे नहीं होगा, कंट्रोल तुम्हारा काम पे नहीं होगा, फिर तुम्हारा कंट्रोल बिजनेस पे होगा. आज तुम्हारा कंट्रोल काम पे है. सो यू आर अ कंट्रोल फ्रीक ऑफ वर्क. आई एम सेइंग बी अ कंट्रोल फ्रीक ऑफ बिजनेस. एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू लेट गो ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू आर इनटू. सो इन नटशेल दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ फ्रॉम बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड
to becoming an entrepreneur. There are many other factors, but these are the basics which I can share with you.